और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, मिथुन अ कैटल ब्रीड इज फाउंड इन, जो मिथुन एक मवेशी की नस्ल है वो कहाँ पाया जाता है। तो ये जो नस्ल है ये जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जो हिली एरिया है इंडिया का, वहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा चाइना, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश में ये मिथुन जो एक मवेशी नस्ल है वो पाया जाता है, और इसे हम लोग कैटल ऑफ माउंटेन भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको आ गया कि कैटल ऑफ माउंटेन इनमें से कौन है, अगर ऑप्शन दिया रहेगा मिथुन, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा मिथुन, तो वो भी बन सकता है यहाँ से क्वेश्चंस, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तो नंदा देवी पिक इज लोकेटेड इन, नंदा देवी पिक जो है वो कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे है, तो वो उत्तराखंड में है, नंदा देवी पिक, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटका में स्थित है। इसके अलावा ये 1974 में ये स्थापित हुआ था 1974 में स्थापित हुआ था, और ये मेनली क्या है, टाइगर रिजर्व के लिए है। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर पॉपुलेशन है इंडिया में, जो हाईएस्ट है, वो इसी बांदीपुर नेशनल पार्क में है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द पॉपुलर बाघ के पेंटिंग्स आर फाउंड इन, तो जो बाघ के पेंटिंग्स है वो कहाँ पे है। तो वो जो है हमारा बगानी रिवर है, उसमें जो थार डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे बाघ के पेंटिंग्स पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बगानी रिवर और धार डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे है बाघ के पेंटिंग्स, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो इंडिया का है वो है NH 44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी की तक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, NH 44 जो है वो श्रीनगर टू कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नेम द पास इन उत्तराखंड विच इज यूज बाय पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होता है इंडिया में, बेसिकली ये जो एरिया है ये कहाँ पे, ये तो चाइना में है। कैलाश यात्रा जो हम लोग करते हैं वो चाइना होते हुए जाते हैं, और यहाँ जाने का दो रास्ता है, एक रास्ता सिक्किम से होते हुए जाता है, दूसरा रास्ता उत्तराखंड होते हुए। तो उत्तराखंड के रास्ते से जाते हैं उसे हम लोग लिपुलेख पास बोलते हैं, और सिक्किम होते हुए जाते हैं वो है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा से होते हुए हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं जो सिक्किम में है। इसके अलावा लिपुलेख पास जो है वो उत्तराखंड में है, उसके होते हुए हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का कौन सा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लिपुलेख, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ, तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन है वो कहाँ पे है। तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में जो कंधमाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन है, और कश्मीर ऑफ उड़ीसा जो है वो इसे बोलते हैं दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसे आपको याद रखना है कि कश्मीर ऑफ उड़ीसा जो है वो किस हिल स्टेशन को बोलते हैं, अगर ऑप्शन में दरिंगबाड़ी होगा तो वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पे है, ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कला भवन फाउंडेड इन 1919 इज नोटेड इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च इन विजुअल आर्ट्स, इट इज़ लोकेटेड इन, तो कला भवन जो 1919 में स्थापित किया गया था वो कहाँ पे है, तो वो वेस्ट बंगाल में है कला भवन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स तवांग विथ लहासा, तो तवांग जो है, तवांग कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो ये एरिया है, इस एरिया से होते हुए लहासा को जो तिब्बत में है वो कनेक्ट होता है, तो वो किस पास के थ्रू कनेक्ट होता है ये पूछा जा रहा है। तो वो कौन सा पास है, तो वो पास है बुमला पास। बुमला पास जो है वो तवांग को लहासा से कनेक्ट करता है, और तवांग अरुणाचल प्रदेश में है और लहासा तिब्बत में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, तो मजुली जो दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कहाँ पे है, तो वो असम में स्थित है, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था फिजिकल ज्योग्राफी में भी, इस क्वेश्चन आया था, ये दोबारा पूछा जा रहा है एग्जाम में, दो बार पूछ चुका है SSC सीजल 2018 में ये। और जो हमारा जो फर्स्ट था मजुली से पहले जो था वो था मरजाओ इन ब्राज़ील, बाद में मरजाओ इन ब्राज़ील के बाद जो मजुली है वो नंबर 1 पे आ गया, और ये आसाम में पड़ता है, और ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11,
Which of the following passes is known as the gateway connecting Jammu and Srinagar? तो कौन सा पास है जो जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है? तो ये बनिहाल पास जो है, बनिहाल पास है वो जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12- विच कनेक्ट्स सिक्किम विद तिब्बत वाज क्लोज्ड आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन ऑन इंडिया इन 1962 बट वाज रीओपेंड इन 2006 एज द गवर्नमेंट्स ऑफ द टू कंट्रीज डिसाइडेड टू एनहांस देयर ट्रेड थ्रू लैंड रूट्स। तो जो चाइना का आक्रमण हुआ था भारत पे 1962 में, उसके कारण जो है जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया था जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता था। तो वो पूछा जा रहा है कि वो रास्ता कौन सा है, तो वो रास्ता है नाथुला, नाथुला दर्रा है जो बंद कर दिया गया था और फिर 2006 में ये फिर से स्टार्ट हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? तो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है वो दार्जिलिंग जब हम लोग जाते हैं तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है घूम रेलवे स्टेशन। तो घूम रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, और ये कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द खजुराहो टेम्पल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो खजुराहो मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो खजुराहो मंदिर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे खजुराहो टेम्पल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड इन, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16। द विक्टोरिया मेमोरियल कंसेप्ट बाय लॉर्ड कर्जन रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चरल क्लाइमेक्स ऑफ डैश सिटी, तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है सीधे सीधे, तो ये है कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो लॉर्ड कर्जन के समय बनाया गया था, तो ये भी याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन के समय ही विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था जो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। द अलमाटी डैम प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर वॉज एन इशू बिटवीन विच स्टेट्स, तो कृष्णा नदी पे जो अलमाटी बांध परियोजना है किन राज्यों के बीच मुद्दा है ये? तो अलमाटी डैम प्रोजेक्ट जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, और ये कृष्णा रिवर पे है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये बगलकोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे है अलमाटी डैम। एग्जाम में आ सकता है कि अलमाटी डैम है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये बगलकोट डिस्ट्रिक्ट में है। और किन किन राज्यों के बीच में ये मुद्दा है? तो ये है नॉर्थ कर्नाटका यानी कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में ये मुद्दा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। द डैश इज एन इम्पोर्टेंट रोड लिंक बिटवीन श्रीनगर ऑन वन साइड एंड कारगिल एंड लेह ऑन द अदर साइड, तो जो रोड लिंक है श्रीनगर को जोड़ता है लेह के साथ, कारगिल के साथ, तो वो कौन सा रोड लिंक है? तो वो है जोजिला टनल। जोजिला टनल के थ्रू श्रीनगर को कनेक्टिविटी मिलता है लेह से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। डैश पास कनेक्ट्स उत्तराखंड एंड तिब्बत एंड इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ गंगोत्री, कौन सा पास कनेक्ट्स होता है उत्तराखंड और तिब्बत को, और ये गंगोत्री के नॉर्थ में है, नॉर्थ में है, तो ये कौन सा है? तो ये है मुलिंगला। मुलिंगला पास जो है वो उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है, और ये गंगोत्री के क्या है? गंगोत्री के नॉर्थ साइड में ये पास है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो गेहूं का है वो है चाइना। चाइना नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पे इंडिया है, और नंबर 3 पे रसिया, देन आफ्टर यूनाइटेड स्टेट है। तो नंबर 1 पे कौन है? चाइना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज द ट्राइब ऑफ नाइसी बिलोंग्स, तो नाइसी जनजाति जो है वो भारत के किस राज्य से बिलोंग करती है, किस राज्य में है? तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये ट्राइबल है, ये जनजाति है नाइसी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नाइसी जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरला में ये स्थित है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरला में स्थित है, और ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क नीलगिरी हिल्स पे स्थित है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। डैश स्ट्रेट सेपरेट्स द आइलैंड्स ऑफ जावा एंड सुमात्रा,
जावा सुमात्रा को जो आइलैंड सेपरेट्स करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जल डमरू मध्य बोलते हैं, वो जो सेपरेट करता है वो कौन सा जल डमरू मध्य है, तो वो है सुंडा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सुंडा स्ट्रेट जो है वो सुमात्रा और जावा को सेपरेट करता है, तो सुंडा स्ट्रेट जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इन विच प्रोविंस ऑफ चाइना इज द हुआंगसाओ नेशनल पार्क लोकेटेड, विच हाउसेज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल क्लस्टर। तो चाइना के किस प्रोविंस में ये हुआंगसाओ नेशनल पार्क है, ये पूछा जा रहा है। तो हुआंगसाओ नेशनल पार्क जो है वो गुझाओ में है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। गुझाओ में हुआंगसाओ नेशनल पार्क है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट गॉर्ज इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे गहरा कंठ है, गहरा कंठ यानी कि आप इसे कैनियन भी बोल सकते हो, जो गहरा है। तो ये पूछा जा रहा है गहरा कौन सा है, तो वो है हिमालय में जो गंडकी रिवर है उसमें एक काली गंडकी गॉर्ज है, या फिर उसे हम लोग अंधा गलछी भी बोलते हैं। ये सबसे गहरा है और इसकी जो गहराई है वो अप्रॉक्स कितना है, वो है 5571 मीटर, और या फिर 18,278 फीट भी बोल सकते हैं। इतना गाढ़ा है वो, इतना नीचे तक है वो गहराई है उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काली गंडकी गोर्ज, जो गंडकी रिवर या फिर काली गंडकी रिवर है उसमें है, और ये कहाँ पे है, ये हिमालय नेपाल में है, और ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट कैनियन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये है रेह के खीम और काउरी शॉल आर ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ। तो ये जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स है, जो शॉल का एक टाइप है और खीम है, ये कहाँ का पारंपरिक वस्त्र है, किस कहाँ का ट्रेडिशन है ये, तो ये नागालैंड का है, तो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। वेयर इज द नेशनल वार मेमोरियल ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो नेशनल वार मेमोरियल जो है वो इंडिया गेट है हमारा, न्यू दिल्ली में है, जैसा कि आपको पता होगा इंडिया गेट न्यू दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 28। इन दिसंबर 2018 हैवलॉक आइलैंड वॉज रीनेम्ड एज। तो दिसंबर 2018 में जो हैवलॉक आइलैंड था, हैवलॉक आइलैंड जो है एक ब्रिटिश था जिसे हम लोग सर हेनरी हैवलॉक बोलते हैं, उसके नाम से ये आइलैंड था हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम चेंज कर दिया गया। और इसका जो नाम चेंज किया गया है वो किसके किसके किसको ट्राइब्यूट करने के लिए किया गया है, तो ये है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम से, मतलब इनको ट्राइब्यूट करने के लिए इसका जो नाम है हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम चेंज करके स्वराज आइलैंड रखा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वराज द्वीप, ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। स्वराज आइलैंड, स्वराज द्वीप जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कब किया गया था, ये दिसंबर 2018 में किया गया था, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, आने वाले अगले 1-2 साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो पुडुचेरी यानी कि पांडिचेरी में जो हमारा माहे है वो स्मॉलेस्ट है, और इसका जो एरिया है वो 9 किलोमीटर स्क्वायर है मात्र। और जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है, वो है कच्छ जो गुजरात में है, और इसकी जो एरिया है, जो एरिया है वो है 45,652 किलोमीटर स्क्वायर। तो स्मॉलेस्ट माही हो गया और लार्जेस्ट कच्छ हो गया, तो यहाँ पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30। डैश इज द हॉटेस्ट प्लानिट इन द सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह जो है सौर मंडल का वो है वेनस। मरकरी जो है सबसे नज़दीक है, सन के नज़दीक में सबसे नज़दीक में मरकरी है, लेकिन मरकरी गर्म नहीं है, वेनस जो होता है वो इससे दूर है, लेकिन फिर भी ये गर्म है क्योंकि यहाँ पे जो है हीट जो है वो ट्रैप हो जाता है, इसलिए ये गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो है वेनस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। वर्कला चौड़ा चवाकार एंड नतिका और बीचेस इन द स्टेट ऑफ। तो ये जो समुद्र तट है, ये जो चारों दिख रहा है, वर्कला चौड़ा और चवकार एंड नतिका, ये कौन से राज्य में है, तो ये केरला राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा टोटल 31 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इससे पहले हमारा फिजिकल ज्योग्राफी जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये सब ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर आपने नहीं देखा तो इसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इन सबको देख सकते हैं।